नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज दिनांक 23/7/2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य लैबों से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसमें सागर से 11 लोगों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव पाई गई है। 5 बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से और 6 प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए हैं। पहले हैं 65 वर्षीय पुरुष, ये श्रीरामनगर गोपालगंज के निवासी हैं। दूसरे 43 वर्षीय पुरुष, ये इतवारी टोली निवासी हैं। तीसरे जो है 67 वर्षीय पुरुष, ये सुभाष नगर निवासी हैं। चौथे 44 वर्षीय पुरुष, ये बंडा के रहने वाले हैं। पांचवे 61 वर्षीय पुरुष, ये राजीव गांधी वार्ड, ये भी बंडा के रहने वाले हैं। छठवे 54 वर्षीय पुरुष गोपालगंज के। सातवे 50 वर्षीय पुरुष तहसीली के। आठवें जो है 62 वर्षीय पुरुष उद्धार कॉलोनी। नौवे है 28 वर्षीय पुरुष परकोटा और दसवें है 24 वर्षीय पुरुष रविशंकर वार्ड। ग्यारहवीं जो है वो 31 वर्षीय महिला सदर की रहने वाली है। इसके अलावा आज अच्छी खबर ये है कि 16 लोग जिनका कोरोना का इलाज चल रहा था स्वस्थ होकर ये लोग सभी घर चले गए हैं। इसके अलावा फिर से एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सावधानी का पालन करें। जिस हिसाब से अपने यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं सावधानी रखें, केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, बार बार साबुन से हाथ धोएं। आज का यही अपडेट है। नमस्कार।